नमस्कार दोस्तों, ओनली सिलेक्शन यूट्यूब चैनल पर आप सभी को मैं अजेश गुप्ता आज लेकर आया हूं COVID-19 पर बेस्ड वो कैसे करंट अफेयर सीरीज जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही यूजफुल होने वाली है। आप चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड रखते हो, चाहे आप UPSC देने वाले हों, चाहे आप किसी भी स्टेट का BSC एग्जाम फाइट करने वाले हों, आप सभी जानते हैं पिछले 4 महीने से एक जो चीज जो पूरे देश और दुनिया में चल रही है वो है सिर्फ और सिर्फ COVID-19 की बीमारी। तो आप ये तो अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर आपका आने वाला कोई भी कंपटीशन एग्जाम होगा तो उसमें COVID-19 से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो 110% आने ही आने वाले हैं। तो इसलिए इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज से मैं आप लोगों के लिए एक करंट अफेयर्स की एक ऐसी सीरीज जो केवल COVID-19 पर बेस है आपके सामने आज लेकर आया हूं। और इसी सीरीज में हम वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों आइए, आज हमारी इस फर्स्ट क्लास में हम सबसे पहले COVID-19 से रिलेटेड जो एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है उससे हम फैमिलियर हो जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं पिछले 4 महीने में आपने भी कुछ पेपर्स में इस तरह की टर्मिनोलॉजी को बार बार देखा है। लेकिन एक अखबार की खबर को पढ़ना और एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना और सही अटेम्प्ट करने के लिए उस स्ट्रेटजी में फर्क होता है, उस बात को समझने में, उस बात को याद रखने का एक अलग तरीका होता है। तो आज हमारा पूरा का पूरा जो है करंट अफेयर्स का लेक्चर है COVID-19 पर बेस, आपके बेसिक जो टर्म्स हैं COVID-19 की उस पर बेस है। ICMR एक भारत सरकार की मेडिकल क्षेत्र की सबसे बड़ी नियामक संस्था, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है इसका। इसको COVID-19 के लिए हर तरह की चीज के लिए एक बहुत ही ज्यादा ऑथराइज और ऑथेंटिक एक बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो स्वास्थ्य विभाग जो मंत्रालय है आपका उसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट, दूसरी जो चीज आपने सबसे ज्यादा इंटरेस्टली होगी, NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ये जो वायरस के जितने भी टाइप्स के वायरस हैं, आपको पता है कोविड अपने आप में जो ये कोविड का जो कोरोना जो नामक वायरस है, ये जो वायरस है इसके ऊपर जो अध्ययन किया जाता है उस इंस्टीट्यूट का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। ये पुणे में स्थित है और ये भी एक भारत सरकार के द्वारा प्रमाणित और नियामक संस्था है। अब हम बात करते हैं कि इस पूरी COVID-19 जो डिजीज है इसका नाम COVID-19 कब और कैसे पड़ा है। तो आपको बता दूं, इससे पहले जो nCoV-2 नामक एक वायरस था इसका नाम COV-2 नाम से जाना जा रहा था, लेकिन इसको 11 फरवरी 2020 को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको पहली बार नाम दिया गया COVID-19। को का मतलब है यहां पर कोरोना, VI का मतलब है वायरस और D का मतलब है डिजीज, कोरोना वायरस डिजीज। और 19 का मतलब है यहां पर कि इस वायरस की खोज, पहली बार इस वायरस का पता वैज्ञानिकों को चीन के वुहान में 2019 में पता चला था, इसलिए इसको यहां 19 कोड दिया है। इस तरह से इस पूरी बीमारी को COVID-19 के नाम से हम इस समय जान रहे हैं। तो ये जो वायरस है, ये वायरस की एक SARS फैमिली है। SARS फैमिली का वायरस है जो कॉमन कोल्ड वायरस की फैमिली है। SARS का मतलब क्या है, सीवी एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो ये SARS फैमिली का वायरस है। एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि COVID-19 जो डिजीज है ये किस वायरस की किस फैमिली से रिलेटेड है या संबंधित है। तो इसी तरह की चीजें हैं, इन्हें हमें यहाँ पर फोकस करना है, क्योंकि हमारा मेन मोटो है एग्जाम में करंट अफेयर्स में जो 3 से 4 क्वेश्चन COVID-19 के ऊपर आने ही आने हैं उनको हमें सही कैसे करना है। तो ये SARS फैमिली है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अब आगे बात करते हैं हम, आपने देखा होगा COVID-19 की जो टेस्टिंग के ऊपर काफी बवाल मचा था शुरू से ही। हर कंट्री जो एक टेस्टिंग है जिसको 100% ऑथेंटिक मान के चल रही है वो है RT-PCR टेक्निक, और इस तकनीक से जो टेस्टिंग के रिजल्ट्स हैं वो पूरी तरह से सही हैं और उन पर एक इंसान का पॉजिटिव होना या नेगेटिव होने की जो रिपोर्ट है उस पर 100% भरोसा हम कर सकते हैं। तो इस तकनीक का बेसिकली RT-PCR तकनीक है क्या, आइए हम पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं दोस्तों, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। ये तकनीक किस चीज पर आधारित है, ये जो PCR टेक्निक है ये पहले भी कई बार ऐसे की टेस्टिंग में काम में आती रही है, लेकिन इसमें नया क्या है, नया है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये क्यों जुड़ा है, ये इसलिए जुड़ा है क्योंकि बाकी के जो वायरस होते हैं उनका जो जीनोम कोड होता है, जेनेटिक जो उनका मेन जो कोड है, उस कोडिंग में बेसिकली वो
डीएनए कंपोनेंट लेकर बैठता है, लेकिन ये कोविड-19 का जो वायरस है इसके जो जेनेटिक जो इसका जो जेनेटिक जनरेशन है इसकी, उसमें ये आरएनए है इसके पास। इसके जो प्रोटीन आउटर जो कवच है, जैसे गेंद सा जो आप देखते हैं, ये प्रोटीन है और अंदर जो इसके है वो आरएनए है। तो बेसिकली ये जो टेक्निक है, पहले इस आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करती है और फिर डीएनए के अकॉर्डिंग इसका एक जो जेनेटिक पूरा जो कोडिंग है उसमें पर्टिकुलर किसी एक की को मैच कराकर उसका इसका पता लगाया जाता है कि अगर किसी बॉडी में। और इसके लिए टेस्टिंग में इसका सैंपल क्या लिया जाता है, इसमें सैंपल ब्लड सैंपल नहीं लेते हैं, इसमें सैंपल लेते हैं किसी भी इंसान का जो थूक या बलगम का जो है उसका नमूना लिया जाता है और फिर उसकी टेस्टिंग होती है। आपने देखा लेकिन ये टेस्टिंग बहुत ज्यादा कारगर होने के बाद भी इससे, लेकिन जो कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा था तेजी से, जो रेड जोन्स थे, कंटेनमेंट जोन्स थे, वहां तेजी से जब वायरस फैल रहा था तो उसके पता लगाने में या रिपोर्ट्स आने में जो टाइम लग रहा था उससे गवर्नमेंट्स को, हर देश की को दिक्कत फेस करनी पड़ रही थी। इसलिए वो एक दो तरह की नई टेक्निक्स पर आना चाह रहे थे, जिसमें आपने मोस्टली सुना होगा एंटीबॉडीज और एक एंटीजन जो टेक्निक थी। तो ये जो एंटीबॉडी टेस्टिंग थी, एंटीबॉडी टेस्टिंग में जो सबसे कॉमन नाम है उसका नाम है एलिसा टेस्ट। एलिसा का फुल फॉर्म देखेंगे, एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्वेंट एक्सेस।